अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में और आज बैम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द ऑटो शो। पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एग्जीबिशन है जो कि बहुत ही ग्रैंड और मेगा लेवल पर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जैपनीज ब्रांड भी मौजूद हैं ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन अब चाइना के साथ इश्तराक पे भी बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अब जो है हाइब्रिड वर्जन भी बहुत सारे आ रहे हैं और गाड़ियों के भी कई वर्जन हैं और मोटरसाइकिल्स के भी कई वर्जन आ रहे हैं। तो आइए नज़र डालते हैं कि इंडस्ट्री की क्या नई हैपनिंग्स हैं, कौन सी नए मॉडल्स यहाँ पर आज लॉन्च हो रहे हैं ऑटो शो में। तो अंदर चले। हाँ, ये आप देख रहे हैं हम लोग अंदर जा रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक ओवरव्यू बनाया गया है। होंडा हमारे सबसे पहले नज़र आ रहा है। होंडा के काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजिंग यहाँ पर, उनकी जो HRV मॉडल है वो आ रहे हैं हमें नज़र। फिर मैते होंडा लाइंस इनकी बाइक का ब्रांड नज़र आ रहा है हमें। आगे बढ़े तो हमें दूसरा ब्रांड क्राउन का नज़र आएगा। और पाकिस्तान ऑटो शो में इस वक्त क्राउन की भी काफ़ी हमें अच्छी एडवर्टाइजिंग नज़र आ रही है। क्राउन जो है वो इस वक्त पायनियर है मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स के अंदर उनके ब्रांड्स में। फिर आगे आ जाते हैं हम दोबारा से, हमारे पास एटलस होंडा आ गया है। एटलस होंडा बेसिकली मोटरसाइकिल्स का ब्रांड है और होंडा गाड़ियों का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जी मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग है यहाँ पर। और हम आगे आएँ तो हमारे पास फिर साइटेक ब्रांड एक नज़र आ रहा है। और इस तरह से हम आगे जाएं तो दिस इज़ द पाकिस्तान 2023 ऑटो शो। तो जनाब, पाकिस्तान ऑटो शो की जो एक्सपो की जो लॉन्चिंग है वो एक बड़ी ज़बरदस्त लॉन्चिंग सेरेमनी से इसका आगाज़ हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लॉन्चिंग सेरेमनी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं इसके कुछ खूबसूरत किस्म के ग्लिम्सेस और फिर आगे चलते हैं मेन इवेंट पर। It is my pleasure to welcome you all to the Pakistan Auto Parts Show 2023. जनाब, आपने जैसे कि देखा कि जी अभी लॉन्चिंग सेरेमनी की कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाई, अब पाकिस्तान ऑटो शो की जो मेन इवेंट है यानी कि एग्जीबिशन, अब इस एग्जीबिशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स के स्टॉल यहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन सी ब्रांड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन से नए मॉडल्स हैं गाड़ियों के जो आज यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। टू टेक अ लुक। ये आप देख रहे हैं होंडा का बहुत बड़ा सेटअप लगा है, एटलस होंडा का, जिसमें होंडा की सारी जो बाइक मॉडल्स हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं इनकी डिफरेंट हैवी बाइक भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि थी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से जो है इनके डिफरेंट मॉडल्स के हमें कलर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं होंडा एटलस का स्टॉल, डिफरेंट बाइक्स हैं यहाँ पर लगी हुई। आवाम की बहुत बड़ी तादाद, बाइक्स के शौकीन अफराद यहाँ पर मौजूद हैं जो इन बाइक्स को देख रहे हैं। और ये हम आ जाएं तो हम आ गए हैं होंडा के मेन स्टॉल पे जो गाड़ियों का स्टॉल है, और यहाँ पर लॉन्च हुई है HRV। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्च हुई है HRV। बहुत ज़बरदस्त सेटअप इन्होंने किया है। लोग जो पूरे मॉडल की जो स्पेसिफिकेशन है उसको गौर से जांच रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। ये दूसरा मॉडल है होंडा सिविक का। ये हम आ जाए तो ये देखें जी, ये होंडा सिविक का मॉडल है। भाई साहब जरा आगे से हटेंगे। ये होंडा सिविक का मॉडल आप देख रहे हैं।
एंड इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। देखिए लोग यहाँ पर राइड्स लेने की भी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ड्राइव तो नहीं कर सकते, लेकिन अंदर बैठ के गाड़ी का मज़ा ज़रूर ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर होंडा की जो है HR-V मॉडल जो है वो लॉन्च किया गया है, और इस वक्त जो है लोग इसके अंदर बैठकर इसका मज़ा ले रहे हैं। और इसके अंदर गाड़ी चलाने की जगह भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन गाड़ी का एम्बियंस तो जो है उसका तो मज़ा लिया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का, मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ी स्क्रीन है जहाँ पर इनके TV कमर्शल्स प्ले किए गए हैं होंडा के। और होंडा के अगर हम आगे आएँ तो ये होंडा सिविक का नया मॉडल है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, एंड इट साउंड्स वेरी नाइस। तो आए मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ होंडा के स्टॉल पे। ये आप देख रहे हैं जी, ये फ्रंट व्यू है गाड़ी का, HR-V मॉडल गाड़ी का। ये आप देख रहे हैं इसका ये फ्रंट व्यू है। तो ये होंडा का स्टॉल है जिसको मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पर उनकी बाइक्स भी दिखाई। और अब मैं आगे चलता हूँ और आगे उसको और ब्रांड जो हैं वो आपको दिखाता हूँ। वी आर एट ऑटो शो। यहाँ पे हमें कई स्पेयर पार्ट्स के जो है मेकर्स उनके ब्रांड्स के जो है स्टॉल भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो है ये स्पेयर पार्ट्स के जो है सर्विसेज प्रोवाइड जो की जा रही हैं गाड़ियों के, बाइक्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो जेटैक्ट करके कंपनी है, ये आप देख रहे हैं A1 टेक्निक्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स, जिनका स्टॉल है जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। इनके मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स हैं जिनका डिस्प्ले आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर ये फैल्कन वालों का ग्रुप का स्टॉल है जो डिफरेंट सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे कि डू योरसेल्फ अ फेवर गेट योर व्हीकल सिक्योर्ड विद फैल्कन ऐप। ये ट्रैकिंग कंपनी का स्टॉल है। ये सिंपोजियम हॉल है, सिंपोजियम हॉल में आप डिफरेंट सेमिनार्स और डिफरेंट सेशंस यहाँ पर होंगे तो आप देखेंगे। ये देखें जी, ये इनका सिंपोजियम हॉल है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है सेमिनार्स और इवेंट्स यहाँ पर अभी होंगे। ये आप सुपर टेक का स्टॉल देख रहे हैं जो मोटरसाइकिल्स के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं। हमें टायर्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये साइलेंसर्स हैं। लोग बड़े शौक से देख रहे हैं सारे, और हमें यहाँ पर जो ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं स्पेयर पार्ट्स हैं उनके यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टॉल नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमोटिव पार्ट्स स्टॉल का स्टॉल है। लोग बड़े शौक से इन चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि गाड़ियों का शौक हमारे आजकल की नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा है। हम आगे बढ़ें तो आगे हमें और भी नज़र आ रहे हैं कुछ ब्रांड्स, जैसे कि मेपल का स्टॉल है। ये इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं, हॉर्न हमें नज़र आ रहे हैं, वायर्स हैं, स्विचेस हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके बारे में बताया जा रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। और हम आ जाते हैं अब एक नए स्टॉल पे जिसका नाम है रमज़ा। और रमज़ा के इस वक्त हम स्टॉल पे मौजूद हैं, और रमज़ा एक ऐसा ब्रांड इस वक्त लॉन्च हो रहा है जो अभी पाकिस्तान में आया नहीं है लेकिन कमिंग सून है। न्यू एशिया रमज़ा का जो है ये स्कूटी की पूरी रेंज है जो लॉन्च कर रहे हैं, और स्कूटी की बाइक्स जो हैं स्कूटी टाइप की जो बाइक्स हैं और जो ख़वातीन भी चला सकेंगी और मर्द हज़रात भी चला सकेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रीफिंग भी चल रही है, आप देख रहे हैं काफ़ी रश है, ख़वातीन का भी रश है यहाँ पर और मर्द हज़रात का भी रश है। और इनके जो मॉडल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं रमज़ा के,
ये रमज़ा में ब्रांड फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहा हूँ, न्यू एशिया की तरफ से ब्रांड है जो बेसिकली बाइक्स का ब्रांड है। इसमें आपको स्कूटी टाइप बाइक्स नज़र आ रही हैं, तो बड़ी खूबसूरत भी हैं और अच्छी भी नज़र आ रही हैं, जाजिब नज़र भी हैं, कम्फर्टेबल भी लग रही हैं हमें। ये आप देख लें इनके मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। और अब इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है पूरी। डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट मॉडल्स हमें रमजा के नजर आ रहे हैं यहाँ पे। इंजन चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, बाकी जो बॉडी पार्ट है सारे इटली से डाई करवा के और फिर हम खुद इन हाउस तैयार कर रहे हैं, और ये भी इसी तरीके से हम इन हाउस तैयार कर रहे हैं, असेंबल हो रहा है, असेंबलिंग हो रही है। दो टाइप की बैटरी लाइफ कितनी है? बैटरी लाइफ वैसे तो इसकी 4 साल की दे रही है कंपनी, हम लोग जो दे रहे हैं कंपनी हमारी जो निवेश है की वो इसकी मोटर की और बैटरी की प्लस 18 माह की दे रही है, 18 माह की प्लस मोटर भी है। बैटरी जो है रिप्लेसमेंट भी फिर आप करेंगे, ये सर्विस भी देंगे? जी जी बिल्कुल, रिप्लेसमेंट ही देंगे आपको, रिपेयरमेंट नहीं है। रिपेयर तो मैं पॉसिबल नहीं होगी, 18 माह के अंदर कुछ अगर बैटरी को हो जाता है। आप कितना बता रहे हैं एक चार्ज में कितना जा रही है? 80 से 90 किलो। 80 से 90 किलो। ये एक ही मॉडल है या इसके अलावा भी मॉडल है? सर अभी फिलहाल ये G7 हमारा एक मॉडल है, इसके अलावा P5 का मॉडल है, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी लॉन्च होने वाला है। ये जो है ऑटोमेटिक गाड़ियों का पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है ये ब्रांड, और आप देख रहे हैं कि जी इनकी ऑटो ट्यूनिंग्स और इनकी जो ऑटो सर्विसेज हैं, इन सब की जो इक्विपमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। ये है जी ऑटो जिन का स्टॉल है, ये आपको जिन नज़र आ रहा है, जो हुक्म मेरे आकार। और ऑटो जिन पर जो है डिफरेंट ब्रांड्स के जो हैं डिफरेंट आप कह रहे हैं स्पेयर पार्ट्स भी मौजूद हैं, इनकी सर्विसेज देते हैं, और इनके जो आप कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी इस्तेमाल होती हैं किसी गाड़ी के अंदर, उन तमाम गाड़ियों के बारे में ऑटो जिन सर्विसेज दे रहे हैं। ऑटो जिन के लिए मैं बस एक ही बात कहूँगा, जो हुक्म मेरे आका, आगे बढ़ें। ये ऑटो पार्ट्स एक्सेसरीज का स्टॉल है जो आप देख रहे हैं, डिफरेंट ऑयल्स और डिफरेंट सॉल्यूशंस फ्लूइड्स जो ज़रूरत होती है गाड़ी के अंदर, वो तमाम ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ये आप देख रहे हैं इंटीरियर प्रोटेक्शन ड्रेसिंग, स्पॉटलेस कार वॉश एंड ग्लास क्लीनर्स, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और यह है ऑटो स्टोर। आगे बढ़ते हैं तो जनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का हमें स्टॉल नज़र आ रहा है, ये भी डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर जो पार्ट्स यूज़ होते हैं उन सब की सर्विस देते हैं। यहाँ पे आ जाएं आप, लग्जरी व्हीकल सॉल्यूशंस का स्टॉल है ये, और इन व्हीकल को चाहे आप लग्जरी अंदाज में डेवलप करें, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर लग्जरी पूरा सेटअप किया हुआ है व्हीकल के अंदर, या फिर इसको फैब्रिकेट करके एम्बुलेंस बना दी जाए, जैसे कि आप देख लेंगे इसको फैब्रिकेट करके पूरा एम्बुलेंस का सेटअप किया गया है व्हीकल के अंदर। तो अलबशरा ग्रुप है उनके ये स्टॉल है जिसमें डिफरेंट व्हीकल्स को जो है किस तरह से फैब्रिकेशन करनी है, उसकी फैब्रिकेट करना है वो बताया जाता है, उनकी सर्विसेज दी जाती है। ये स्पेल का स्टॉल है जिसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स हैं,
स्टेयरिंग्स नज़र आ रही हैं हमें, गाड़ियों के दरवाजे के जो इनर होता है, इनर कवर, वो सब यहाँ पर मौजूद है। स्पेल जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ये आप देख रहे हैं क्राउन का स्टॉल, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले लगा है इनका, बहुत बड़ा डिस्प्ले लगा है। कई गेम एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर हो रही हैं। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंसिव मीडिया भी आया हुआ है और क्राउन के स्टॉल पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ब्रीफिंग चल रही है। इनकी नई ये गाड़ी बाइक्स आई हैं जो आई थिंक हाइब्रिड हैं। जी जनाब, ये हाइब्रिड बाइक्स हैं, बहुत खूबसूरत इनकी शक्ल है और इसकी ब्रीफिंग चल रही है पूरी, इसके बारे में बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं इनके जो आम बाइक्स हैं, सुपर पावर बाइक्स, वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं, क्राउन की जो बाइक्स हैं। और ये देखें आप, डिफरेंट बाइक्स के नए मॉडल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं इनका फ्रंट व्यू है बाइक्स का। आप देखें इनकी बाइक्स की, इनके बारे में ब्रीफिंग यहाँ पे लिखी गई है कि मैक्सिमम स्पीड 55 टू 60, मैक्सिमम रेंज 100 टू 105। ये आप देख रहे हैं क्राउन का स्टॉल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त क्राउन के स्टॉल पर हूं और क्राउन ने डिफरेंट हाइब्रिड बाइक्स भी लॉन्च की हैं और ये सारा का सारा काम चाइना के स्टॉक से हो रहा है और यहां पे इनके चाइनीज़ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हम उनसे मालूम करते हैं कि जी टेल मी अबाउट देयर ब्रांड्स, अबाउट देयर प्रोडक्ट्स जो क्राउन लेकर आ रहा है और लॉन्च कर रहा है इस वक्त ऑटो शॉप में। हेलो सर, हाउ आर यू? या आई एम ग्रेट। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? या हाउ व्हिच प्लेस इन द हैंड? How's your experience in Pakistan? Yeah, everything's going well. I love Pakistan culture. I like its food. Yeah. Okay, tell me about your product that you are introducing here. Okay, right now we are for this booth. Yeah, we are partner with Crown, with Benlin, with three company together for JV for e-bike factory. This is our product's first time show here. Yeah. Okay. But our factory here are by Dongjin Group. Inside battery factory in Karachi. I've been here 3 years. Our main product is UPS battery and a motorcycle battery, e-bike battery for this bike. Yeah. Thank you. Thank you. ये ecost का stall है जहाँ पर free trial, free drive. और ये किसकी है? ये है three wheeler, two wheeler की. यहाँ पर देख रहे हैं आप कि different और टू व्हीलर भी मौजूद है, बाइक्स भी मौजूद हैं इनकी इकोस्ट की, और इकोस्ट के साथ जो है ये थ्री व्हीलर जो आप कहने गाड़ियाँ जो आप कहने के चिंची टाइप हैं। ये आप देख रहे हैं इकोस्ट का स्टॉल, इकोस्ट में आपको जो है थ्री व्हीलर नज़र आ रहे हैं जो कि अगर ये रोड पे आ जाए तो हमारा कराची बड़ा खूबसूरत हो जाएगा क्योंकि ये बेसिकली चिंची हैं। और ये आप कहने की जी लगेज को मूव करने के लिए छोटी गाड़ियां हैं। ये इकोस्ट ने लॉन्च किया है, सो इकोस्ट के हम मॉडल पे मौजूद हैं, इनके स्टॉल पे मौजूद हैं। जनाब, इस वक्त इकोस्ट का जो आप ये देख रहे हैं ये चिंची टाइप, मुझे बहुत ही पसंद आई है और बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आरामदेह है। और अगर हम इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लेकर आएँ तो ये बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बड़े बैठने की बड़ी आरामदेह जगह है। आप देख रहे हैं बहुत आरामदेह जगह है और बिल्कुल सेफ़ सिक्योर किस्म की है। और फिर सामान को ले जाने के लिए, लाने के लिए, ये आप देख रहे हैं कि जी ये भी एक रक्षा टाइप है और जिसमें पूरा पीछे एक सेटअप लगा हुआ है। और मैं पीछे जाके दिखाता हूँ आपको कि पीछे से अगर इसका ये डब्बा खुल रहा है तो नहीं, ये लॉक है अभी, लेकिन ये पूरा का पूरा इस तरह का सेटअप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आई रियली लाइक इट।
ये गुगु मोटर का स्टॉल है, उनकी ईवी के नाम से ये डिफरेंट व्हीकल्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग चल रही है इस वक्त ईवी की। ईवी को आई थिंक इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी कहते हैं, और आई थिंक नहीं बल्कि ये वाकई में ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जो हमें नज़र आ रही हैं। ये बड़ी खूबसूरत इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं और ये देखें बड़ी साइज़ में भी छोटी है ये गाड़ी, है तो फोर सीटर लेकिन बड़ी कॉम्पैक्ट किस्म की है। लोग इसमें अंदर बैठ रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस पर प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पर चल रही है, ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गीगी ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, और बहुत ही शॉर्ट साइज़ की कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है ये। आइए इसके बारे में मालूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, क्या ये वैसे ही वर्क करेगी जैसे कि आम गाड़ियां चलती हैं रोड पे? हम वी आर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ओईएम, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर वाले के साथ इंपोर्ट हो रही है। आपने सवाल किया कि गाड़ी कहाँ से आ रही है, गाड़ी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से। चाइना से, चाइना से कौन लेके आ रहा है? इसके पीछे ग्रुप है टेस्ला इंडस्ट्रीज, उसका डिवीजन गूगो मोटर्स के नाम से। जी जी बिल्कुल, तो हम लोग इसको पाकिस्तान में लेके आए। कितने में लॉन्च करने का इरादा है आपका? लॉन्च सर हो चुकी है, 46.5 लाख में इसकी लॉन्चिंग प्राइस है। ठीक है, और आज से कराची में लॉन्च है, नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद में है, दैन उसके बाद लाहौर। तो क्या इसकी वारंटी वगैरह, ये सब चीज़ें किस तरह से हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस? बिल्कुल, इसकी बैटरी की जो कंजम्पशन है वो है 16 किलोवाट की। इट विल टेक 16 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विल गिव यू 220 किलोमीटर। और हम अगर बात करें तो इसमें आपको 4 रुपीज़ पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट पड़ती है। और वारंटी आपने पूछा, वारंटी इसकी है 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर्स। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल जो पहले आ जाए हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है जी, वेलकम सर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस लो कार्बन लाइफ, और ये पूरे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। और जितने भी इस वक्त ऑटोमोबाइल में एडवांसमेंट्स आ रही हैं वो ज़्यादातर चाइना की तरफ से हैं, जैसा कि ये हमारे सामने एक काईपेंग ब्रांड है, इनके भी सारे सॉल्यूशंस जो हैं चाइना की तरफ से दी जा रहे हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं जॉनसेंग मोटरसाइकिल्स, देखिए जब मोटरसाइकिल पे आपकी नज़र जाएगी तो आंखें खुद दंग रह जाएंगी, इतनी ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है ये, 150 है ये, आप देख रहे हैं। अंदर और भी मोटरसाइकिल्स यहाँ पे रखी गई हैं, ये सारी हैवी मोटरसाइकिल्स हैं। ये आप देख रहे हैं इसकी लुक, एक प्योर लग्जरी फील आएगा जब आप इस बाइक पे बैठेंगे। इस पूरी एक्सपो में अगर कोई चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है तो वो ये बाइक्स हैं जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये हैवी बाइक्स हैं और इसमें जो है काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन अगर आप इनकी देखें मेकिंग और इनकी जो मॉडल की जो लुक है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आगे बढ़ते हैं, मालूम करते हैं बाइक्स के बारे में। ये सर हमारी है 150 cc इन्फिनिटी के नाम से हम ये सिर्फ बाइक सेल करते हैं। ये टोटली जो है हमारे पास चाइना से आती है, और मतलब पार्ट्स की सूरत में हम टोटली जो है संभल करते हैं यहाँ पे हैदराबाद में। हाई स्पीड के नाम से हमारा वो है, राजी मोटर इंडस्ट्रीज के नाम से प्लांट है। जैसे आपको पता है कि हाई स्पीड के नाम से हम बाइक भी बनाते हैं, ये हमारा ही ब्रांड है। ये 3,75,000 की है एक, और वो जो है वो 3,91,000 की है। उसमें डिजिटल मीटर है और LED लाइट है, और उसका सेंसर वगैरह इंडिकेटर में कुछ चेंजिंग हैं। ये 200 cc है, ये 4,65,000 रुपये की। आप देख रहे हैं ये बाइक बड़ी खूबसूरत है, इनकी लुक्स आप देखें, और दूसरी चीज़ की फिनिशिंग, द मोस्ट लग्जरियस फील इसकी अगर हम फिनिशिंग पर नज़र डालें तो। हाँ देख रहे हैं सारे फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और फॉरेन डेलीगेट्स के साथ मिलकर ही ये सारा सेटअप किया गया है। तो
ये तोहीद डाई कास्टिंग का स्टॉल है, इनके पास डाई हैं और ये सारे के सारे स्पेयर पार्ट्स जो है खुद बनाते हैं पाकिस्तान में। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा डाई कास्टिंग का स्टॉल है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग बड़ा शौक से देख रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान मेड हैं। ये आप देख रहे हैं सस्पेंशंस, शॉक एब्जॉर्बर्स, व्हील डाइज, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सारे ब्रांड ऑर्डर्स मौजूद हैं, जो अपने ब्रांड्स के बारे में सारी ब्रीफिंग्स दे रहे हैं। B2B मीटिंग्स भी हैं, B2C मीटिंग्स भी हो रही हैं यहाँ पर। ये आप हेलमेट के स्टॉल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू? Are you for selling any helmet here? No, not for sale today. Not for sale. Okay. For business. Okay. ये वो है ना? ये आप देखें, ये एक कैरी है पूरी हैवी ट्रैक्टर टाइप, और उसके बारे में ब्रीफिंग हो रही है। ये क्रैन का स्टॉल आप देख रहे हैं, डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स की सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ये PMTF का स्टॉल है, इसमें आप देख लें ये व्हील के पूरे आप कहने की चीज उनको जो होल्ड करते हैं। टेकिंग प्रिसिशन इंजीनियरिंग टू न्यू हाइट्स। वी आल्सो फाउंड द आर्ट एग्जीबिशन हियर एट ऑटो शो, जहाँ पर डिफरेंट पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, हमें वो नज़र आए हैं यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, कैलीग्राफिक आर्ट भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये है डायमंड टायर, डायमंड टायर का स्टॉल है ये, जहाँ पर टायर डिस्प्ले भी रखे गए हैं, बड़े अच्छे टायर डिस्प्ले हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और ये देखें ट्यूब्स भी हैं और टायर्स भी हैं, डायमंड टायर, टायर मजबूत, सफ़र महफूज। ये भी आप देख रहे हैं डॉर्सन टायर्स का स्टॉल है, ये बाइक के टायर्स हैं, हैवी बाइक के टायर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये टायर्स का सारा डिस्प्ले यहाँ लगाया गया है। ये देखें डॉर्सन टायर्स, ये इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज हैं जो आपको ऑटो ट्यूनिंग के लिए और गाड़ी के अंदर जो आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, उनका यहाँ पर सब डिस्प्ले किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे ब्रीफिंग दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स हैं जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और साथ में लोग इंक्वायर कर रहे हैं। और ज़्यादातर बिज़नेस यहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स यानी चाइना के साथ इश्तराक से हो रहा है, चाइना ही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जितने भी इनोवेटिव ब्रांड्स हैं उनमें हमें चाइना सबसे फ्रंट में नज़र आ रहा है। और ये स्टॉल आप देख रहे हैं इनॉफ इंटरप्राइजेस का, और ये आप पवेलियन देख रहे हैं ईरान की, यहाँ पर सारे ईरानी ब्रांड्स हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले है, ऑल आर द ईरानी ब्रांड्स। इट्स एन एरियल व्यू जो आप देख रहे हैं, एग्जीबिशन का पूरा एरियल व्यू आपको नज़र आ रहा है। तो जनाब अभी हम लोगों ने आपको जो है मेन इवेंट कवर कराई है और ऑटो शो की, और अब हम आगे बढ़ते हैं
और ऑटो शो का जो एक्सक्लूसिव डिनर है वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हैपनिंग्स हैं। पाकिस्तान ऑटो शो में इस मौके पर अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए और डिफरेंट ऑटोमोबाइल कंपनीज को उनकी अच्छी कारकर्दगी पर और इसके अलावा पाकिस्तान ऑटो शो को इनेकाद करने में जिन जिन लोगों ने अपनी खिदमात दी उन सबको सराहा गया और अवार्ड दिए गए। अब पाकिस्तान ऑटो शो दर हकीकत पापाम एसोसिएशन की इवेंट है और इन्होंने ही इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और इस इवेंट के बाद एक म्यूज़िकल नाइट का भी प्लान किया गया था लेकिन अब फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के तौर पर वो म्यूज़िकल नाइट और तमाम इंटरटेनमेंट एलिमेंट्स को मनसूख कर दिया गया और इवेंट में सिर्फ और सिर्फ अवार्ड सेरेमनी हुई और एक ज़बरदस्त से डिनर का इंतज़ाम किया गया। क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल थे चाइनीज़ और ईरानी डेलीगेशन के अफराद भी। तो जनाब हमने आज के एपिसोड में कवर किया ऑटो शो को और मुझे यकीन है कि आपको आज का हमारा एपिसोड बड़ा पसंद आया होगा और इसी तरह के एक्सक्लूसिव किस्म की एग्जीबिशंस जो कराची एक्सपो सेंटर में होती हैं उसके लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब बैम टीवी पी के ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। अल्लाह हाफिज़।